अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किंग टीवी। दोस्तों, आज के जदीद दौर में बहुत सी गेम्स मौजूद हैं, हर कोई अपने पसंद की गेम मोबाइल या कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके खेलता है। ये गेम्स वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। कभी कभी तो खेलने वालों के ये गेम नहीं बल्कि रियल लगते हैं। वैसे तो दोस्तों हज़ारों गेम्स मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को दुनिया में मौजूद 5 सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम्स के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए लिस्ट देखते हैं। सब्सक्राइब करें किंग टीवी को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नंबर 5, काउंटर स्ट्रिक ग्लोबल ऑफेंसिव। दोस्तों, काउंटर स्ट्रिक ग्लोबल ऑफेंसिव को वाल्व कॉरपोरेशन ने बनाया है। इस गेम में दोस्तों तकरीबन 32 मिलियन ऑनलाइन प्लेयर्स है और ये गेम 2014 में बनाया गया है। दोस्तों, इस गेम में प्लेयर्स को जगह जगह बॉम्ब लगाना होता है, दहशतगर्दों से यरगमलियों को बचाना होता है और अपने एरिए को महफूज करना होता है। नंबर 4, लीग ऑफ लेजेंड्स। इस गेम को दोस्तों रियोट गेम्स ने बनाया है और ये गेम 2009 में लॉन्च हुआ है। तकरीबन 27 मिलियन ऑनलाइन प्लेयर्स हैं इसमें। दोस्तों यकीनन ये एक बेहतरीन खेल है, इसलिए 2009 से अब तक बड़े शौक से खेला जा रहा है। नंबर 3, अपेक्स लेजेंड्स। रेस्पॉन एंटरटेनमेंट्स का तैयार करदा ये गेम दोस्तों 2019 में तैयार हुआ है और अब तक तकरीबन इसके ऑनलाइन 50 मिलियन प्लेयर्स हैं। दोस्तों ये गेम रिलीज़ होने के बाद ही मुसलसल न्यूज़ में है। वो लोग जो पबजी और फोर्टनाइट नहीं खेलते लेकिन बैटल ग्राउंड वाले गेम्स पसंद करते हैं, तो ये गेम उनके लिए बेहतरीन है। नंबर 2, फोर्टनाइट बैटल रॉयल्स। इस गेम को एपिक गेम्स ने 2017 में बनाया। इसमें ऑनलाइन खेलने वाले प्लेयर्स की तादाद तकरीबन 39 मिलियन है। दोस्तों ये गेम 2017 में बनाया गया, लेकिन 2018 में इसके ऑनलाइन खेलने वालों की तादाद में हैरतअंगेज इजाफा हुआ। नंबर 1, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स यानी पबजी। दोस्तों पबजी कॉरपोरेशन ने इस गेम को 2018 में बनाया। इस गेम को ऑनलाइन खेलने वालों की तादाद 50 मिलियन से ज़्यादा है। दोस्तों 50 मिलियन ऑनलाइन से ज़्यादा प्लेयर्स के साथ ये दुनिया का ऑनलाइन खेले जाने वाला सबसे बड़ा गेम है और गुजरते वक्त के साथ इसमें और इजाफा हो रहा है। दोस्तों ये गेम अपने ज़बरदस्त ग्राफिक की वजह से भी बहुत मशहूर है।